अब मैं बुलाता हूँ, अपने हाथों को गर्म कीजिए, जोर से तालियां बजाइए, लगातार खड़े होकर के तालियां बजाइए। वो मैं बता रहा हूँ सर, यहाँ पे दो पार्ट में ये होगा और ये लेक्चर, देवेंद्र जी एंड बसीम जी माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। सीधे मुद्दे पे आ रहा हूँ मैंने, आपने एक घंटा वेट किया, मैंने पूरा एक साल वेट किया इस बार 2019। हर साल की तरह नहीं है, 2019 में कुछ ऐसा हुआ है जो पिछले 200 साल के मेडिकल इतिहास में नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि ये बात इतनी बड़ी बात है, तो लेकिन इतने महीने निकल गए, अब ये 2019 भी निकलने ही वाला है, आपको पता है रिकॉर्ड का दिसंबर, और इतनी बड़ी बात लोगों तक नहीं पहुंची। तो हमारे पवन गुप्ता जी, जिनका सबसे बड़ा हाथ है इस आयोजन को करने का, पवन गुप्ता जी मेरे, और मुझे लगता है हाथ ही नहीं, पैर और बॉडी के सारे पार्ट्स हैं, प्लीज राइट हियर। तो जो भी मैं आपको बताऊंगा वो सारे, एक तो ये रिसर्च पेपर है जिनको देखना बाद में देख सकते हैं, दो पार्ट है, एक तो मेरा लेक्चर, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। आपको इसलिए नहीं मान रहा कि मानना है कि मैं बता रहा हूं, जो भी कंफ्यूजन आपको लिखते रहना, यू हैव अ फीडबैक फॉर्म, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, उसमें आप जितना चाहे पूछ सकते हैं, और जब आपको लगे कि हाँ कन्विंसिंग तभी कन्विंसिंग, इट्स नॉट बिकॉज आई एम सेइंग, वॉट एवर रेफरेंस आई विल गिव वो यहाँ भी है, उसका आपको लिंक भी मैं बाद में दे दूंगा खत्म करने से पहले। सो एक शब्द में अगर आज का लेक्चर मुझे खत्म करना हो एक शब्द में, तो वो एक शब्द है गोल्डी लॉक्स जोन, ओनली वन वर्ड। ये गोल्डी लॉक्स जोन क्या है, ये स्पेस साइंटिस्ट अक्सर यूज करते हैं, ये है अर्थ, आप देख रहे हैं, मतलब एक ऐसा जोन जहां पे लाइफ पॉसिबल है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, तो उस जोन में जहां पानी बर्फ भी ना बने और इंसान जले भी ना हो या जीव जले भी ना, बिल्कुल गोल्डी लॉक जोन स्पेस साइंटिस्ट के भाषा में। और गोल्डी लॉक जोन में हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ आता है और मार्स आता है, यानी कि मार्स में फिर भी उम्मीद है कि कुछ हैबिटेबल हो सकता है। ह्यूमन बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में भी गोल्डी लॉक जोन है, और उसे हम बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। इस साल का नोबेल प्राइज विनिंग साइंस अक्टूबर महीने में मिला, 7 अक्टूबर, आज 1 दिसंबर है, 2 महीने भी नहीं हुए, और सबसे आश्चर्य बात है इस सब्जेक्ट पे नोबेल प्राइज 4 बार मिल चुका है, 1931 में मिला था, 1938 में मिला था, 2004 में मिला था, और अभी। तो इस बात से आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, या कितना इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी का एक फंक्शनिंग है। ये फंक्शनिंग अगर आप समझ जाएं तो एक बात तय है, आपको किसी भी बीमारी से घबराहट नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, आपके फोन आए इन दिनों में और कैंसर, हार्ट डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज, इस तरह के क्वेरीज थे, राइट, और आप चल के आए यहाँ पे और आप मुझे सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इस स्थिति में आप हैं, वो दिख रहा है मुझे, इतनी स्थिति काफी है किसी भी डिजीज को रिवर्ट करने के लिए, राइट, ये बात आप समझ जाएंगे, और कुछ ही दिनों में रिवर्ट करने के लिए, एंड दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द न्यू नोबेल प्राइज विनिंग साइंस एंजियोजेनेसिस। तो अगला 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें मैं ये समझाने वाला हूँ दिस, और वो समझ गए तो बात लगभग बनी हुई। समझाने के लिए आई विल टेक एन एग्जाम्पल, अब देखिए हमारे बॉडी में करीब 1,00,000 किलोमीटर ब्लड वेसल्स हैं, 1,00,000 किलोमीटर, मतलब पृथ्वी के 2-2.5 चक्कर तो लगी जाएंगे, और उसमें ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज की काउंटिंग करें करीब 2,000 करोड़ कैपिलरीज हैं, और एक चक्कर लगा देता है बॉडी में ब्लड करीब 1 मिनट के अंदर, तो दैट इज द काइंड ऑफ ब्लड वेसल इन आवर बॉडी। और उसके अगर ब्लड वेसल देखेंगे तो मेन ब्लड वेसल है, मान लो अगर ऐसे देखते हैं तो फिर उसके छोटे ब्रांचेस निकलते हैं, ब्रांचेस के भी ब्रांचेस निकलते हैं, उसके भी ब्रांचेस निकलते हैं, फिर उसके भी और ब्रांचेस निकलते हैं, जो सबसे छोटे वाले हैं उन्हें बोलते हैं कैपिलरीज। ये इसलिए निकलते हैं ताकि आपके बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, हर सेल के नजदीक कोई ना कोई कैपिलरी हो, ताकि फूड, ऑक्सीजन, ब्लड उसको वहां पे मिले, यहां तक तो हमें पता है। और आपके हर सेल के करीब कितने करीब कोई ना कोई कैपिलरी हो,
दैट इज इक्वलेंट टू आपके बालों का जो विड्थ है उतना, उतने के अंदर अंदर कोई ना कोई कैपिलरी मिल जाएगा। अब इसमें एंजियोजेनेसिस क्या है, हमारा बॉडी ये देखता रहता है कि कहां खाने की कमी है, जहां भी खाने की कमी है वहां पे एक नया ब्रांच खोल देता है, और हमारा बॉडी ये भी देखता रहता है कहां खाना ज्यादा है वहां एक ब्रांच बंद कर देता है। ये जो प्रोसेस है ये लगातार चलता रहता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एंजियोजेनेसिस, सिंपल भाषा में एंजियोजेनेसिस कहते हैं। आपने बचपन में इसको लाइव देखा अपने आंखों से, मैं आपको याद दिलाता हूँ, याद कीजिए मनोहर जी, आपने देखा नहीं, थैंक यू। तो बचपन में आपने देखा होगा कि पैरों में चोट लग गई, छिल गया पैर, और उसके बाद धीरे 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 वो सूखने लगा और एक पपड़ी बन गई काले रंग की, फिर आप जल्दी में या क्यूरियस हैं आपने उसको खरोचना शुरू किया, और खरोचा तो बाई चांस वो निकल गया ऊपर की पपड़ी, फिर अंदर क्या देखा आपने, अंदर जो देखा तो लाल लाल दिखा, और अगर बहुत ध्यान से देखा हो तो आपने थोड़े छोटे छोटे ब्लड वेसल्स देखे होंगे। सो एंजियोजेनेसिस इज हैपनिंग देयर, वहां पे जो हो रहा है दैट इज कॉल्ड एंजियोजेनेसिस, राइट। क्योंकि एंजियोजेनेसिस हो रहा है इसीलिए वो हील हो रहा है, तो वहां एकदम से नए ब्रांचेस खुल रहे हैं, नए ब्रांचेस की आवश्यकता पड़ रही है, सो दैट इज व्हाट इज एंजियोजेनेसिस। अब कभी कभी क्या होता है कि जहां पे जरूरत नहीं वहां भी अगर नए ब्रांच खुल जाए तो सारी प्रॉब्लम आती है। नेचर जो कि एक बहुत ही प्रेस्टीजियस जर्नल है, 2004 के इशू में आया था, ऑटोप्सी समझते हैं, मरने के बाद इन्वेस्टिगेशन, कि 40% वुमेन्स के बॉडी में ब्रेस्ट कैंसर सेल पाया गया, 50% मेन के बॉडी में प्रोस्टेट कैंसर सेल पाया गया, और हर एक के 100% लोगों के बॉडी में थायराइड कैंसर सेल पाया गया। लेकिन हम में से सारे लोग थायराइड से कैंसर से नहीं मरने वाले, ना ही ब्रेस्ट कैंसर से, ना ही प्रोस्टेट कैंसर से। बोलने का मतलब कि कैंसर सेल्स एक मात्रा में पाया गया जिससे वो ट्यूमर में या कैंसर में तब्दील हो सकता था। वो जो सब्जेक्ट था उसका नाम था, जो टॉपिक था, कैंसर विदाउट डिजीज। बोलने का मतलब इस वक्त भी आपके बॉडी में बहुत सारे कैंसर सेल होंगे जैसा आपको पता है, लेकिन वो फुल ब्लोन कैंसर होकर बीमारी नहीं बनती है। क्यों बीमारी नहीं बनती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे वो ट्यूमर बढ़ने लगता है करीब आपके बालों के डबल या ट्रिपल साइज में ट्यूमर बन जाता है, हमारा बॉडी क्या करता है, एक ब्रांच कैपिलरी काट देता है, दिस फॉर एंटी एंजियोजेनेसिस, कि यहां तो ये ज्यादा ही बढ़ रहा है तो एक ब्रांच काट दिया, तो आपका ट्यूमर उतना तो बढ़ गया लेकिन वो इतना बड़ा भी नहीं कि आपको एहसास भी हो या आपको दिक्कत दे सके। किसी किसी के बॉडी में वो ब्रांच कटता नहीं है, यानी कि उसको फीड करते रहते हैं, तो वो ट्यूमर बन जाता है, फिर वो कैंसर बन जाता है, तो उसका ध्यान से कैंसर से होता है। अब जो कैंसर के पेशेंट हैं उनमें यही हो रहा है कि उनके जो सेल्स हैं जो वो उनको ज्यादा फीडिंग मिल रही है, ज्यादा फूड मिल रहा है, मतलब वो ब्रांच बंद करना था नहीं बंद हो रहा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैंसर। वो कैसे दिखेगा, एक सेल अगर आप देखेंगे उसको, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कैंसर सेल है, उसके अंदर जो छोटी छोटी आप पतले पतले देख रहे हैं, दैट इज द ब्लड वेसल, दैट इज द एंजियोजेनेटिक ब्लड वेसल, वो ज्यादा है जिसकी वजह से वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर आप कैंसर को स्टॉप करना चाहते हैं तो उसके ब्रांचेस कुछ काटने पड़ेंगे, उसको रोकने पड़ेंगे, राइट, तो वो कैंसर वहां रुक भी सकता है। और यही चीज होती है डायबिटीज के केस में, डायबिटीज के केस में बोला जाता है कि डायबिटीज रेटिनोपैथी, यानी कि ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस में क्या है, जब भी किसी के बॉडी में शुगर बढ़ेगा तो आंखों के पीछे जो नर्व्स हैं वो तेजी से बढ़ेंगे, ज्यादा होंगे कैंसर की तरफ, और अगर उनके आंखों में आप टॉप से देखेंगे तो बहुत सारे ब्लड वेसल दिखेंगे, तो यानी कि उनके आंखों में रेटिनोपैथी यानी कि ब्लाइंडनेस की शुरुआत हो गई है, और ब्लाइंडनेस की शुरुआत कैसे हुई, ब्लड शुगर के बढ़ने से, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एंजियोजेनेसिस। तो यहां पे आप देखिए मैकेनिज्म ब्लाइंडनेस का और कैंसर का सेम ही है ना, बोथ ऑफ देम आर हैविंग सेम मैकेनिज्म, दोनों में जहां पे कैपिलरीज की जरूरत नहीं है वहां है और वहां बढ़ते जा रहे हैं सप्लाई, तो वो ट्यूमर बन रहा है, या ज्यादा ब्लड वेसल बन रहा है तो दिखने में मुश्किल आ रही है, विच वी कॉल एज ब्लाइंडनेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, जो सेंट्रल कैरेक्टर है दैट इज एंजियोजेनेसिस, या तो कहीं जरूरत है और वहां सप्लाई ना करे, जैसे हार्ट में, हार्ट के मसल को जरूरत है लेकिन
हमारी बॉडी ने क्या किया, एक शाखा को काट दिया अनजाने में, राइट। एक शाखा को काटने से क्या होगा कि वहां सप्लाई नहीं जाएगा, और नहीं जाने से क्या है, दैट इज हार्ट सेल विल डाई एंड दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक, या ब्रेन सेल विल डाई दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्ट्रोक। तो ठीक उसी तरह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, हेयर लॉस, ओबेसिटी के केस में क्या लगता है, जितनी सप्लाई चाहिए उससे ज्यादा सप्लाई मिल रही है। तो आप देखिए बीमारी अलग अलग है, ब्लाइंडनेस है, कैंसर है, ओबेसिटी है, या फिर हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है, हेयर लॉस है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, ये दिखने को सारे अलग बीमारियां हैं, लेकिन सबका जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो एक ही वर्ड है, एंड दैट इज एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस डिस्फंक्शन बोल सकते हैं इसको। इसको अगर हम एक लेमन भाषा में समझें तो होता क्या है हमारे बॉडी में, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमारी सरकार बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए क्या करती है, फ्री राशन दे रही है, फ्री राशन। लेकिन कुछ क्लेवर लोग, चालाक लोग क्या करेंगे, बीपीएल का कार्ड बना लेंगे, तो वो कार्ड दिखाएंगे, उनको भी फ्री राशन मिलेगा ना, और सरकार सोचेगी ये तो बीपीएल है, तो उनके घर में राशन बढ़ता जाएगा, और मतलब उनके पास ज्यादा से ज्यादा सामान आता जाएगा। तो वो एंजियोजेनेसिस हो गया कि उनके आगे बोर्ड लगा कि मुझे राशन की जरूरत है, बिकॉज मैं गरीब हूँ, लेकिन वो सिर्फ बोर्ड ही है, रियलिटी में नहीं है। तो कैंसर में भी ये कि द सेल कंफ्यूजेस द बॉडी कि यहाँ पे जरूरत ज्यादा है, और बॉडी अनजाने में वो सप्लाई पास करती है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द नोबल प्राइज विनिंग साइंस जो इस बार का है। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें हमारा क्या रोल है, यहाँ पे हमें समझ आएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर ब्लड शुगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ब्लाइंडनेस। तो आप क्या करेंगे ब्लड शुगर ना बढ़ने के लिए, दवाई लेंगे ना, तो ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा। जब दवाई लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ आपको सुनना जरूरी है, डायबिटीज की दवा जब लेंगे, डायबिटीज की दवा, वो ब्लड शुगर नॉर्मल करता है, लेकिन सिग्नल पास करता है बॉडी में कि कई सारे कैपिलरीज को काट दो, ब्रेक कर दो, मतलब एंटी एंजियोजेनेसिस। तो इसीलिए अगर उनके पैरों में चोट आती है तो चोट को भरने के लिए कैपिलरीज की जरूरत है, लेकिन वो बने नहीं क्योंकि बॉडी को सिग्नल मिल रहा है, जरूरत नहीं है, बट इन रियलिटी जरूरत है, राइट। जो एक्चुअल गरीब है वो सरकार तक पहुंच ही नहीं पा रही है, सरकार को लग रहा है कि वो कोई है ही नहीं, सरकार के लिए वो उनके उनके कागजात में नहीं, बट इन रियलिटी दे आर पुअर, बट दे आर नॉट एबल, दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। सो एक तरफ ब्लड शुगर ज्यादा है तो ब्लाइंडनेस, और दवाई लेके कम किया तो उसका उल्टा, डायबिटिक फूड जिसे बोलते हैं, फूड अल्सर बोलते हैं। तो दवाई लेके ब्लड शुगर को कम करना मतलब फूड अल्सर की तरफ बढ़ना। तो कोई भी दवाई, डायबिटीज की बात करें, कोई भी दवाई, ऑल डायबिटीज ड्रग इंक्रीजेस द मोर्टलिटी, कोई भी दवाई दुनिया की डायबिटीज की खाएंगे तो उससे आपकी आयु घटेगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आयु घटेगी। और यूनिवर्सिटी ग्रुप डायबिटीज प्रोग्राम, ये बहुत बड़ा ट्रायल है। इस ट्रायल के बाद FDA ने डिसाइड किया 1935 में कि सारे डायबिटीज के दवाइयों के ऊपर लेबल लगा देते हैं कि डायबिटीज की दवा इंसान के लिए खतरनाक है। दवा बंद क्यों नहीं किया, आप देखिए सिगरेट के पैकेट में लिखा रहता है, वो बंद क्यों नहीं कर देते सरकार, क्योंकि उससे रेवेन्यू बहुत आ रहा है, बंद करेंगे तो रेवेन्यू बंद हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बंद हो जाएगा। एट द सेम टाइम सरकार आगा भी करना चाहती है, अपना रोल अदा करना चाहती, तो उन्होंने लिख दिया कि कैंसर से कैंसर की फोटो बनाती है, डिसीजन इज अप टू यू, राइट। The same thing is, by the time you realize हुआ कि डायबिटीज की मेडिसिन एक्चुअली मोर्टलिटी रेट बढ़ाती है, यानी मृत्यु दर बढ़ाती है, लेकिन बाय दैट टाइम वो डायबिटीज का इंडस्ट्री इतना बढ़ चुका था कि इंडस्ट्री को बंद करना बड़ा चैलेंजिंग था। तो डिसाइड किया चलो ये लिख देते हैं, वार्निंग लिख देते हैं, अब लोगों को करने दो। लेकिन जब ये हुआ 1935 में 40 बड़े डॉक्टर ने लॉयर हायर किया, FDA के ऊपर केस कर दिया, और ऐसा होने नहीं दिया। और तब से लेकर आज 2018 तक जितने सारे ट्रायल्स में है, तो हर ट्रायल में रिजल्ट अगेन एंड अगेन सेम निकला है, हाई ब्लड शुगर इज बैड बट टेकिंग मेडिसिन इन हाई ब्लड शुगर इज वर्स। हाई ब्लड शुगर खराब है लेकिन उससे दवा लेके कम करना उससे भी ज्यादा खराब है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। यही चीज इन सारे ट्रायल्स में, जो अभी पिछले 10 साल के ट्रायल्स है उसमें साबित हुआ। अकॉर्डिंगली पिछले साल 2018 में नए गाइडलाइंस आए, और उस गाइडलाइन में भी यही बता दिया, फर्स्ट गाइडेंस कि मेडिसिन को टेपर डाउन करो, उसको खत्म करो, या डॉक्टर से गाइडलाइन में ये बोला कि आप बताओ पेशेंट को कि ये दे तो रहे हैं आपको मेडिसिन, सिम्टोमेटिक थोड़ा रिलीफ भी मिल जाएगा शायद, लेकिन मोर्टलिटी रेट घट जाएगी, आपकी आयु घट जाएगी, अब आप डिसाइड कीजिए। लेकिन फिर वही हुआ,
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने वही किया जो 1975 में अमेरिकन डॉक्टर्स ने किया था, प्रोटेस्ट किया और इसी की गाइडलाइन को इंप्लीमेंट होने ही नहीं दिया भारत में। करीब उन्हें दिया होता तो आप में से 70% लोगों की डायबिटीज की दवा बंद हो चुकी थी, 70% लोगों की। और पिछले साल मार्च का अगर आप अखबार देखे याद हो तो सारे अखबार में प्रोटेस्ट आया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, एंड अकॉर्डिंगली दवाइयाँ स्टिल कंटिन्यू करें। जो डायबिटीज पेशेंट है वो दवाइयों पर ही है, किसी का कम तो नहीं हुआ ना, डॉक्टर ने बुला के तो नहीं बोला कि गाइडलाइन बदल गए, दीज आर द न्यू एविडेंस, आप दवाई कम कर दो खत्म कर दो, हुआ कभी? अभी तक तो नहीं हुआ, क्योंकि कलेक्टिवली डिसीजन लिया कि इस गाइडलाइन को लोगों तक पहुंच नहीं मिलेगी। बट द ट्रूथ रिमेन्स द ट्रूथ, वो आप तक पहुंचे या ना पहुंचे। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समझने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड अगेन, द गोल्डी लॉक जोन। हमारे बॉडी में गोल्डी लॉक जोन की तरह काम करता है, इनफैक्ट दुनिया की हर लाइफ की लाइफ चीजें। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही जिंदा रह सकती है, एग्जाम्पल देना। अब एवरेज क्या हुआ इसका, करीब 36 और 37 के बीच में ही जिंदा रहेगी। अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कर देंगे तो भी मर जाएगी गोल्डी लॉक जोन, या कम करेंगे तो भी मर जाएगी। एक रेंज के अंदर एवरेज इज 37। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको लेता हूँ, अच्छा एवरेज 37 रखना ना, एक दिन इनका मैं 50 डिग्री टेम्परेचर कर देता हूँ, दूसरे दिन 20-25 डिग्री कर देता हूँ, या 30 डिग्री कर देता हूँ, तो एवरेज तो 37 रहा ना, तो क्या जिंदा रहेंगे? वन डे आई इंक्रीज टेम्परेचर बाई 50 डिग्री बॉडी टेम्परेचर, अदर डे आई डिक्रीज टेम्परेचर बाई 220 डिग्री, तो एवरेज तो वही रहा जितना एक्सपेक्टेड है। बट वॉट विल हैपन, आप इसको ऐसे समझिए, ये अर्थ है और ये गोल्डी लॉक जोन के अंदर है, एक दिन वो बिल्कुल इधर पास में ले आते हैं, एक दिन इस कोने में यहाँ ले आते हैं, तो कभी तो वो जल रहा है और कभी बर्फ बन जा रहा है। लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट। जब भी आप डायबिटीज की गोली लेते हैं वो यही होता है, आप जब सो रहे होते हैं, हम तो कॉन्शियस ग्लूकोज मोटर लगा देते हैं पेशेंट को, जब वो सो रहे होते हैं ना डायबिटीज के पेशेंट, आधी रात का उनका ब्लड शुगर का रिकॉर्ड देखो 30, 40, 50, रियली लो। हाई ब्लड शुगर इज नॉट डेंजरस, लो ब्लड शुगर इज वेरी डेंजरस। और लो ब्लड शुगर नॉर्मली नहीं होगा जब तक कि आप दवाई से उसको नहीं नीचे करेंगे। आप भूखे रहिए 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, तब भी लो ब्लड शुगर नहीं हो सकता। लो ब्लड शुगर होना अननेचुरल है, एंड लो ब्लड शुगर इज मोर डेंजरस देन हाई ब्लड शुगर। राइट, तो हाई ब्लड शुगर में घबराने की कोई जरूरत नहीं, एक आध बार हो जाता है, किसी का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। बट लो ब्लड शुगर मेरा या किसी का नहीं हो सकता अनलेस कि आप दवाई से उसको करो। एंड ज्यादा डेथ होते हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं लो ब्लड शुगर का। बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें एक जोन के बीच में रहना है, उस जोन से जैसे ही बाहर जाएंगे, और उस जोन से बाहर जाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द मेडिकेशन। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर हम सोल्यूशन पाएंगे सीधा। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज, या फिर हार्ट डिजीज लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर, विच लुक्स टू बी करेक्ट, पहला है दूसरा कौन सा? तुम लोग पहला बोल रहे हैं, दूसरा बोल रहे हैं। हाँ, डॉक्टर पास जाएंगे तो क्या बोलेंगे? अरे आपका तो ब्लड प्रेशर ज्यादा है, आपको हार्ट डिजीज हो सकता है, दैट्स राइट। अब देखिए इसको, मान लीजिए एक पाइप है, इस पाइप को मैं यहाँ पे टैप फिट कर देता हूँ, टैप ऑन करता हूँ, पानी यहाँ से निकल रहा है। अब मैं पाइप को स्विच करूंगा तो वाटर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। अब ये पाइप नहीं है, ब्लड वेसल है, और अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, तो डायमीटर कम हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, राइट। वो जो ब्लॉकेज है उसी को वो कहते हैं हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज कॉजेज हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज करेक्ट। हाई ब्लड प्रेशर डजंट कॉज हार्ट डिजीज, राइट। क्योंकि आपको हार्ट डिजीज है इसलिए आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, ना कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो हार्ट डिजीज है। तो जो आपका जो बेसिक समझाने का तरीका है डॉक्टर का वही उल्टा है। हाई ब्लड प्रेशर एक आउटकम है, सिम्टम है, वो कोई कारण नहीं है, इस बात को समझिए। आप क्या कर रहे हैं टारगेट? हाई ब्लड प्रेशर को नीचे करने का दवाई ले रहे हैं। क्या वो ब्लॉकेज वो दवाई घटा रहा है? नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो हार्ट को कमजोर कर रहा है जिससे आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ रहा है, ब्लॉकेज वहीं का वहीं है। एक तो पहले से ही ब्लॉकेज है, ऊपर से हार्ट भी कमजोर हो रहा है, तो दो गड़बड़ होगी ना। सो इट इज वेरी डेंजरस। तो जैसे आप डॉक्टर को देखते हैं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जितना बड़ा डॉक्टर उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा, जितना महंगा हॉस्पिटल उतना और ज्यादा ब्लड प्रेशर। फिर डॉक्टर बोलता है देखो आपका ब्लड प्रेशर कितना ज्यादा, आपको लगता है हाँ ये तो सही बोल रहे हैं, लेकिन कौन जिम्मेदार है? वो डॉक्टर तो जिम्मेदार है ना। तो आपको करना क्या चाहिए, सोचिए जंगल के सेटअप में क्या होता है, एक जीब्रा
उसको सेंस होता है कि टाइगर है आसपास, तो क्या हो गया, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पल्स रेट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, दैट इज मेकिंग ही मोर रेडी टू फाइट और फ्लाइट, भागने के लिए, राइट। वो अलर्ट है, उसकी आंखें ज्यादा देख पा रही, उसके कान ज्यादा सुन पा रहे हैं, वो अपने आप को ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाएगा। बट इंसान ने क्या किया, वही का वही खड़ा रह गया। तो द थिंग इज कि बॉडी इंडिकेट कर रही है कि भाई भागो, लेकिन आप वही खड़े हैं ना, तो ब्लड प्रेशर इट बिकम्स अ परमानेंट कंपेनियन विद यू। ब्लड प्रेशर इटसेल्फ इज नॉट अ डिजीज, ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, वो एक आउटकम है, इस बात को समझना होगा। और अगर आप उस पर दवाई पे के साथ रहेंगे लगातार, डायबिटीज की दवा हो या ब्लड प्रेशर की दवा है, उनमें एक बात कॉमन है, इट डिस्टर्ब्स द बॉडीज एबिलिटी टू सेंड एंजियोजेनेसिस। तो बॉडी को ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे ज्यादा कैपिलरीज की जरूरत है, कहाँ पे कम कैपिलरीज की जरूरत है। दिस मीन्स यू आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक, यू आर मोर प्रोन टू कैंसर ऑल्सो, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में बात होगी कि इफ इट इज सो, तो ये सारी दवाइयाँ दिमाग अभी है क्यों। इसके जवाब के लिए टाइम कम है इसलिए, alltrials.net ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जो कि दुनिया का टॉप 10 में जर्नल में आता है, 2016 से मुहिम शुरू किया एक एक दवाई को एक्सपोज करने का हर हफ्ते, कि जो झूठ बोल के दवाइयाँ मार्केट में आई या ड्राइव दे के दवाइयों को रेगुलराइज किया डी के थ्रू, वो सारी दवाइयों को हर हफ्ते एक दवाई को एक्सपोज कर रहे हैं, एक एक दवाई को। हो सकता है कि आप जो दवाई ले रहे हैं वो भी एक्सपोज हो गया हो बाई दिस टाइम, तो वो alltrials.net में जाके आप देख सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि आप दवाइयों की वजह से जिंदा नहीं है, आप दवाइयां खाने के बावजूद भी जिंदा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए, कैंसर है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, बोलने को ये तीनों अलग अलग बीमारियां हैं, तो होता है कि इनकी अलग अलग इलाज है। बट द ट्रूथ इज तीनों का एक ही कारण है, एंड कारण मैंने आपको बता दिया कि आपका जो एंजियोजेनेटिक बैलेंस है वो बिगड़ गया। जैसे ही वो बैलेंस आएगा तो तीनों बीमारियां एकदम से रिग्रेस करेंगी, एकदम से। कितने समय में? कुछ दिनों में, कुछ दिनों में। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, ये उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे ट्रेनिंग का। हमारे बीच है डॉक्टर हरीश सतीजाई, इनका हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, यहीं पे आप इनसे पहले जानते भी होंगे। तो अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा इंसान है जिनको हार्ट डिजीज भी है, था कैंसर भी था, डायबिटीज भी था, तो आप सोचेंगे वो शायद नहीं होंगे दुनिया में, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर हरीश का। सर, आपके अनुसार ये चीज सही रहेगी, तो माइक आपको, आपको ये सुनना है, इससे आगे जुड़ेंगे।